केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व कर्मचारी संघों ने पानीपत लघु सचिवालय स्थित उपायुक्त कार्यालय पर विशाल रैली निकालकर रोष प्रदर्शन करते हुए एसडीएम पानीपत के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री व हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर यूनियन की राज्य प्रधान संतोष रावल ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करेंगे। इसके लिए उन्हें चाहे लाठियां खानी पड़े, गोली चले या फिर जेल जाना पड़े, वे सरकार से अपना हक लेकर रहेंगे। आज पूरे देश के स्तर पे हमारी फेडरेशन का आह्वान है। आज हम पूरे देश पे इकट्ठा हो रहे हैं। 1 तारीख को सरकार का पुतला फूका गया था, 29 तारीख को सरकार ने बजट पेश किया था, लेकिन उस बजट में महिलाओं की अनदेखी की गई है। चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर है, चाहे वो आशा वर्कर है, चाहे वो मिड डे मील वर्कर है, परियोजना तमाम परियोजनाओं में काम करने वाली महिलाओं के साथ अनदेखी की गई है। इस अनदेखी को देखते हुए सरकार ने अपने पर्चे में ये दर्ज किया था, जब चुनाव लड़ा था उस टाइम पे ये किया था कि हमारे को वोट दो, हम आपको न्यूनतम वेतन देंगे, हम आपको पक्का करेंगे, हम आपको सब सुविधाएं देंगे, लेकिन उनका वादा खिलाफ की है उन्होंने। उस वादा खिलाफी के खिलाफ पूरे देश में महिलाओं की आवाज है कि इस तरीके से 2 बार बजट पेश किया, दोनों बार आईसीडीएस को, स्वास्थ्य विभाग को छेड़ा तक नहीं। पानीपत से जाट टीवी न्यूज के लिए सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट।